प्राइवेट बैंक जॉब्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स हैं फ्रेशर्स के लिए। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप एज अ फ्रेशर प्राइवेट बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब में आप जॉब पा सकते हो। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो और आपको जॉब लग जाए। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना अगर आप सीरियस हो प्राइवेट बैंक में जॉब पाने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की। ये सभी बैंक्स फ्रेशर को हायर करते हैं, एक्सपीरियंस लोगों को भी हायर करते हैं। मैंने सभी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके क्राइटेरिया अंडरस्टैंड किया है। तो जो मेजर क्राइटेरिया समझ आया वो है मिनिमम ग्रेजुएट, और काफ़ी सारे बैंक्स ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस जॉब प्रोफाइल पे वहाँ पर जॉब मिलेगी। मैंने डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट जॉब प्रोफाइल स्टडी की आपको नॉलेज शेयर करने के लिए। सो उसमें मैंने पाया कि डेजिग्नेशंस भले ही डिफरेंट हो लेकिन रोल मोर और लेस सेम है। काफ़ी बैंक्स में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर आप ज्वाइन करोगे, किसी बैंक में आप बैंकिंग ऑफिसर ज्वाइन करोगे, किसी बैंक में ये जॉब प्रोफाइल का नाम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका जो रोल है वो मोस्टली आपको सेल्स प्रोफाइल रहती है। और जो तीसरा प्रोफाइल है वो होता है रिलेटेड टू ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट से रिलेटेड। और चौथा है फोन बैंकिंग सर्विसेज में, टेलीकॉलिंग में, और टेलीकॉलिंग के थ्रू रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको ई रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नाम से भी इन्होंने टैग किया हुआ है। तो बेसिकली बैंकिंग के अंदर जॉब की जॉब होने वाली है वो कस्टमर फेसिंग होने वाली है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो स्किल्स क्या चाहिए, अब स्किल्स की बात कर लेते हैं। स्किल्स आपको जो चाहिए वो आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपके अंदर सेल्स का एटीट्यूड होना चाहिए, और लर्निंग के लिए आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कि आप लगातार नई नई चीज़ों को लर्न कर सको। बैंकिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो ये बेसिक अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं सो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप किसी अच्छे बैंक में आप जॉब पा सको और अपना करियर स्टार्ट कर सको। अब बात कर लेते हैं कि जॉब्स को फाइंड कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कोई भी प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, सबकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहां पर करियर पेज के नाम से एक डेडिकेटेड सेक्शन होता है। वहां पर जितनी भी लेटेस्ट ओपनिंग है वो वहां पर डिस्प्ले की जाती है। सो आपकी कन्वीनियंस के लिए इन सभी बैंक के करियर पेजेस का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप करंट ओपनिंग्स को देख सकते हो। आपको वहां पर फिल्टर करने का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने सिटी में, अपने एरिया में और अपने प्रेफर्ड जॉब प्रोफाइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली सभी बैंक्स में ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके एरिया में आपकी स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो भी आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। जैसे ही वहां पे ओपनिंग आएगी आपको वहां से कॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन कॉल कैसे आएगी उसके लिए एप्लीकेशन करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम सिर्फ HDFC बैंक की बात करें तो आज की डेट में मोर देन 6500 जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और बाकी बैंक्स के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर्स के लिए आज की डेट में अवेलेबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का दूसरा स्टेप है शॉर्ट लिस्टिंग। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है अगर आपके स्किल्स और एबिलिटीज वहाँ मैच कर रही हैं तो आपकी प्रोफाइल को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा। थर्ड स्टेप होता है प्री इंटरव्यू राउंड। प्री इंटरव्यू राउंड के अंदर आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर आपका अपडेटेड रिज्यूमे, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपकी फोटोग्राफ्स, ये सब आपको सबमिट करना होता है। कुछ प्रोफाइल्स के लिए एक पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट के लिए आपको लिंक भी भेजा जाएगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उनके आपको आंसर्स करने हैं। ये बेसिकली आपकी टेक्निकल नॉलेज नहीं, आपकी पर्सनालिटी को एनालिसिस करने के लिए होता है। सो अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो ही आपको मेन इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और उसका इंटरव्यू का शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा। एक अच्छा रिज्यूमे आपके इंटरव्यू की प्रोबेबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है, इंटरव्यू की कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है। एक अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देखिए और अपना रिज्यूमे बनाइए। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी का एनालिसिस, आपकी नॉलेज का एनालिसिस और आपकी क्वालिटीज को एस्टिमेट किया जाता है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हमने दो वीडियोस बनाई हैं, इस वीडियो को लंबा ना करते हुए उन दोनों लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूं। एक वीडियो जो है वो है मॉक इंटरव्यू की, कैसे एक्चुअल इंटरव्यू होता है उसकी प्रैक्टिस के लिए है, और सेकेंड वीडियो जो है वो इंटरव्यू क्वेश्चन। इस वीडियो को ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं और बहुत ही ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देख।
सीखना। नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से की, आप अच्छे से इंटरव्यू देके आते हो, तो आपको सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन ऑफर देने से पहले आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो वो सब डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना होता है। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ये सब में आप क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर दे दिया जाता है, जिसके लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कहां से आप अप्लाई कर सकते हो। रिज्यूमे कैसे बनाना है उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया। इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है तो वो लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी हो गई है कि कैसे आप प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब पा सकते हो। सो अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और प्राइवेट बैंक में जॉब पाने के लिए आपको क्या चैलेंज आ रहा है, कैसी आपको और हेल्प चाहिए, किस टाइप की आपको वीडियोज और चाहिए, उसके लिए कॉमेंट करके बताइए, वो वीडियोज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्राइवेट बैंक से रिलेटेड जितनी वीडियोज हैं उनको जरूर देखिए। जाते जाते लास्ट में ये दो वीडियो हैं, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, इन दोनों वीडियोस को भी आप जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।